आज हम पढ़ेंगे काउंट डाउन मैथमेटिक्स बुक 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 3, 5, 6 एंड सी इज इक्वल टू 5, 7, 9, प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। अच्छा, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है और यहाँ पे तीन सेट गिवेन है। अच्छा, यहाँ पे हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, इस तरह से हमने कर दी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इस तरह से करते हैं जब दो सेट गिवेन होते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन सेट गिवेन है। अब हम तीनों सेट की इस तरह से सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ मैं, ए यूनियन बी करेंगे बी यूनियन ए के, फिर बी यूनियन सी करेंगे सी यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी करेंगे सी यूनियन ए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं, ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी लिखा, ए का सेट उतारा, यूनियन बी का सेट उतारा। ठीक है, यूनियन में तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख देते हैं और अरेंज करके लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, जो रिपीट हो रही है वैल्यू वो एक बार लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि 3। फिर उसके बाद यहाँ पे ए यूनियन बी निकाल लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगी मैं। ठीक है, तो बी यूनियन ए, बी यूनियन ए में पहले बी का सेट उतारा, फिर उसके बाद यूनियन की साइन लगाई, इंटरसेक्शन ए, ए का सेट उतारा। ठीक है, बी यूनियन ए, अब इसमें तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमने तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख दी, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हुए, ये प्रूव हो गई बात सेकंड वाला। ठीक है, ये प्रूव हो गई, अब बी यूनियन सी और सी यूनियन बी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बी यूनियन सी, बी का सेट उतारा, यूनियन के साइन लगाए, सी का सेट उतारा आपने। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो सेट मैंने आप यहाँ पे उतार ली, यूनियन में तमाम वैल्यू अरेंज करके लिख देते हैं 3, 5, 6, 7, 9। ठीक है, बी यूनियन सी सॉल्व हो गया, उसके बाद सी यूनियन बी करेंगे। सी यूनियन बी में पहले सी का सेट, यूनियन बी का सेट। ठीक है, पहले सी फिर यूनियन फिर बी का सेट, इस तरह से लिख लिया, और इसमें 3, 5, 6, 7, 9, इस तरह से हम वैल्यू लिख देंगे। तो ये और ये सेट सिमिलर है, तो ये बात ये भी प्रूव हो गई, बी यूनियन सी बराबर है सी यूनियन बी के। उसके बाद थर्ड में है, ए यूनियन सी बराबर है सी यूनियन ए के, तो ए यूनियन सी बराबर है सी यूनियन ए के, तो ए यूनियन सी, यहाँ पे ए का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई, सी का सेट उतारा, तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख दें 2, 3, 4, 5, 7, 9। ठीक है, इसके बाद सी यूनियन ए कर लें आप, तो सी यूनियन ए में 5, 7, 9, सी का सेट उतारा और ए का सेट उतारा 2, 3, 4, और इसका यूनियन ले लें, इसमें भी तमाम वैल्यू अरेंज करके लिखेंगे, तो ये और ये सिमिलर आए। ठीक है, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये बात यहाँ पे हमने इसको इस तरह से प्रूफ कर दिए, प्रूफ करना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ द सेट, यानी कि यूनियन में हमें इसको प्रूफ करना था, तो हमने ये यूनियन में प्रूफ कर दिया। उसके बाद अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 से, इफ एम, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए इज इक्वल टू एम कॉमा एन कॉमा ओ, ये ए का सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है पी क्यू आर एस, और सी का सेट गिवन है एन ओ पी क्यू। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये तीनों सेट उतार लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखे, आपने ये तीनों सेट उतार लिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो होती है वो ये होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट में होता है, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, और देखें यहाँ पे ब्रैकेट चेंज है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लेंगे और फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले और फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं कि ये दोनों इसके जो आंसर आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रूफ हो गई, और क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तब आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, आपने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपने एस एच एस वैल्यू उतारी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके पास ए बी सी गिवन है, इसके अलावा और आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, आपके पास यानी ए बी गिवन है बी बी गिवन है सी बी गिवन है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, आपने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना है पहले। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी लिखा आपने, यहाँ पे बी का सेट
ठीक है, जो हमारे पास बी का सेट गिवन है पी क्यू आर एस, ने यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखा, इंटरसेक्शन के साइन लगाए। इसके बाद सी, सी का सेट, सी का सेट है एन ओ पी क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे एन ओ पी क्यू। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं दोनों सेट में हम वो लिखते हैं। तो कौन कौन सी हैं सिमिलर वैल्यूज़, यहाँ पे पी और क्यू, बाकी यहाँ पे एन ओ लिखा हुआ है और यहाँ पे आर एस लिखा हुआ है। तो हमने जो कॉमन वैल्यू थी वो उतार ली, कौन सी, पी और क्यू। उसके बाद अभी हमने क्या सॉल्व किया, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब आप इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब आपने ए की जगह ए का सेट उतारा, ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, और फिर बी इंटरसेक्शन सी में आप कौन सी वैल्यू उतारेंगे, जो आपने फाइंड करी है अभी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में आपने जो फाइंड करी है पी कॉमा क्यू, आपने वो लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं, यहाँ पे एम एन ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अभी हमने कौन सी साइड प्रूफ करी, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करी है, यानी कि ये प्रूफ किया है। अब उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेंगे, किसके साथ, सी के साथ। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी लिखा हमने, ए का सेट उतारा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, बी का सेट उतारा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे, एम एन ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, कुछ भी सेम नहीं है इसमें, खाली सेट लिख दिया आपने। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी तो सॉल्व कर लिया, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन सी। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी की जगह आपने जो आपने फाइंड करी अभी वैल्यू, वो क्या है आपका, एम्प्टी सेट, आपने एम्प्टी सेट लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन लगाई, सी, सी का सेट आपके पास गिवन है एन ओ पी क्यू, आपने यहाँ पे लिख देना एन ओ पी क्यू, ठीक है। अब देखें ये एम्प्टी सेट और यहाँ पे एन ओ पी क्यू, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे खाली एम्प्टी सेट आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखें इसका आंसर क्या है, एम्प्टी सेट, और इसका आंसर क्या है हमारे पास, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, इसका आंसर हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट, यानी कि दोनों का जो है वो खाली खाली सेट आया, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी आता 1 2 3, या अभी हम अल्फ़ाबेट्स का करें तो ओ अगर यहाँ पर आता और नीचे भी ओ आता, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, यानी कि अगर दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम आए, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहाँ पे खाली सेट ऊपर भी आ गया, खाली सेट नीचे भी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं, सेम इसमें भी जो कंडीशन हुई, सेम इसमें भी ये कंडीशन हुई, ठीक है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे ही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व हो गई है। अब आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ़ ए का सेट गिवन है आपके पास 1 2 3 4, बी का सेट गिवन है आपके पास 3 4 5 6, और यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6। प्रूफ करना है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ ये, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी। ये फर्स्ट लॉ है डिमॉर्गन्स का, और ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। अब हमें दोनों लॉ प्रूफ करने होंगे। पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ करके दिखाती हूँ, आपको सेकेंड लॉ खुद करना होगा। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए का सेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखें आपके पास यहाँ पे ए बी और यूनिवर्सल सेट जो है ये आपके पास गिवन है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट लॉ प्रूफ करना है। फर्स्ट लॉ की लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए का सेट भी गिवन है, बी का सेट भी गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है कि यू कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यू माइनस ए करते हैं ना, अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता है तो। अब इसी तरीके से यहाँ पे पूरे पे लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से करेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा दूँगी। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा इसके लिए, ए यूनियन बी। अब आपने यहाँ पे ए यूनियन बी, ए का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई, बी का सेट उतारा, ठीक है।
अब यूनियन में क्या करते हैं, हम तमाम वैल्यू मर्ज करके लिख देते हैं। आपने यहाँ पे एक साथ लिख दी अरेंज करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, दोनों साइड की तमाम वैल्यूज़ आपने उतार ली। उसके बाद अब आपके पास ए यूनियन बी आ गया, अब आपने ए यूनियन बी की जगह ये वाला सेट उतारना है, माइनस की साइन लगानी है और यूनिवर्सल सेट लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यू माइनस ए बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस, ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये वाला सेट उतार लिया। अब यहाँ पे माइनस में क्या करते हैं, हम जो सेम सेम वैल्यूज़ होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस सेट में नहीं बची, ठीक है। हम कौन सा सेट देखते हैं माइनस करने के बाद, ये वाला सेट देखते हैं जो पहला वाला सेट होता है। पहले सेट में कोई एलिमेंट बचा नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या आया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर आया खाली सेट। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें, आप राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मेरे पास ए का सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है। तो मैंने पहले क्या निकाल लिया, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, ये आपको पता है, आपने पहले भी किया है, ठीक है। यू माइनस ए, यू यू का सेट उतारा यूनिवर्सल सेट, माइनस की साइन लगाई, ए उतारा, जो वैल्यू सेम है उनको हमने कट कर दिया 1, 2 और 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 कट कर दिया। अब इस सेट में कौन सी वैल्यू बची, कौन से एलिमेंट्स बचे, 5 और 6, तो हमने ये उतार लिया। तो ये हमारा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट सिमिलर इसी तरीके से निकालेंगे, ए की जगह बी आ जाएगा, यू माइनस ए बी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट माइनस बी का सेट, अब जो सेम वैल्यूज़ थे हमने उसको माइनस कर दिया, उसको कट कर दिया, जो कौन जो एलिमेंट्स बच गए हमने वो उतार लिए, यानी कि ये क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, और उसका क्या लेना है साथ में, इंटरसेक्शन। आपने ये वैल्यू इस तरह से लिखी, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह 5, 6 इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह 1, 2, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन ले लें आप, इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5, 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन आई नहीं आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट, और यहाँ पे इसका भी आंसर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मेरे पास आंसर आता है एम्प्टी सेट, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इन दोनों का नल सेट आया, ठीक है। फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया, सेकंड लॉ खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको खुद से करने हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है।